किसी ने क्या खूब कहा है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस नौजवान को देखो, उम्र माज 25 साल है, संगीत से बेहद प्रेम है। यह गायक हैं, यह बुंदेली बोली में गायकी करते हैं, यह बुंदेली लोकगीत कलाकार हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी में जन्मे 25 साल के नौजवान, जिनका नाम आशुतोष विश्वकर्मा है, इनका संगीत के प्रति जुनून ऐसा कि यह तबला, ढोलक, हारमोनियम और सारे वाद्य यंत्र में कम उम्र में ही पारंगत हो गए थे। यह मशहूर लोकगीत गायक जित्तू खरे के साथ जय सिंह राजा और तमाम बुंदेली लोकगीत कलाकारों के साथ गायकी कर चुके हैं। इन्होंने अब एक लोकगीत भजन निकाला है जो प्रदेश में धूम मचा रहा है। भजन के बोल हैं, मोरी माई काली। इस लोकगीत भजन में आवाज आशुतोष की है, जबकि इस बुंदेली भजन में बुंदेली मशहूर कलाकार आशीष उपाध्याय और बिहारी उपाध्याय ने एक्टिंग की है। आशीष उपाध्याय और बिहारी उपाध्याय इस बुंदेलखंड की कला की जान है। यह दोनों कलाकार इस बुंदेलखंड में इतने मशहूर हैं कि अगर इनकी किसी चीज में दस्तक हो जाए तो वो विज्ञापन तक चल पड़ते हैं। इस नौजवान कलाकार आशुतोष को इन लोकप्रिय कलाकारों का सहारा लेना पड़ा। फिलहाल यह भजन काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, कुछ अंशों के साथ, कुछ एक्टिंग और आशुतोष के साथ। पूरा गाना हमारे साथ देखें और पूरी जनता इनको आशीर्वाद जरूर दे। मोरी माई काली, मोरी कंकाली, झोली भरो जे की होए खाली। मोरी माई काली, मोरी महाकाली, झोली भरो जे की होए खाली। दुष्टों का करती संहार काली, कष्टों को दूर करे कंकाली। मोरी माई काली, मोरी महाकाली, झोली भरो जे की होए खाली। नमस्कार, मैं हूँ इकराम खान, आप हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। कहते हैं कला किसी की मोहताज नहीं होती। हमारे साथ भी आज ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बचपन से ही 6 साल की उम्र में न सिर्फ बुंदेलखंड का नाम किया बल्कि अपनी कला के जरिए सोशल मीडिया पर इस वक्त वाए फेमस हैं। आइए हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष सर। सभी भाइयों को जय माई की, जय बुंदेलखंड। सबसे पहले आशुतोष विश्वकर्मा की तरफ से पहुँचे और बहुत बहुत हृदय से सागर एक्सप्रेस न्यूज़ का भी धन्यवाद है जिन्होंने हमारे लिए इस लायक समझा। जी, तो आपने सबसे पहले ये गाने की शुरुआत कैसे की, कितना सपोर्ट मिला आपके लिए, कितने लोगों ने विरोध किया आपका? हम भैया 6 साल से गा रहे, 6 साल की उम्र से, और आज हमारी उम्र 25 साल है, तो लगभग 18-19 साल हमारे लिए गाते हो गए हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं आप, हमारे दर्शकों को बताइए, कितने समय से आपने शुरुआत की? हमारा घर बड़ी देवरी में है, जो कि सागरी जिले में आता है, देवरी विधानसभा क्षेत्र, और नगरपालिका चौराहा पे हमारा घर है। और देखिए, आज कंपटीशन कला जगत में बहुत ही ज़्यादा है। जितना कंपटीशन आज कांग्रेस और भाजपा में नहीं है, उससे ज़्यादा कंपटीशन आज कलाकारी लाइन में है। अपने ही लोग जो 24 घंटा मिलने वाले रहते हैं, जान पहचान वाले, वही लोग अपना विरोध करते हैं। चूँकि जो नया लोग मिलता है वो हमेशा अपना अच्छे ही अपन से बात करता है, और लेकिन जो अपन से 24 घंटा मिलने वाले हैं वही अपना विरोध करते हैं। जी, आपके अंदर ये शौक कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे आया, परिवार का आपका क्या रुझान रहा? देखिए, परिवार, हम एक्चुअली विश्वकर्मा हैं, और हमारे घर में शुरू से मोटरसाइकिल वर्क का काम होता है देवरी में, हमारे पिताजी करते हैं, और घर में ही हमारी दुकान है, मोटरसाइकिल वर्क्स, डीजल वर्क का काम होता है, और हम घर में भी काम करते हैं मोटरसाइकिलों का ये, और गाने बजाने का शौक भी हमारे लिए शुरू से रहा है। आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी डेली लाइफ रूटीन कैसे करते हैं, क्या पढ़ाई? हमारी ITI इलेक्ट्रीशियन से कम्प्लीट हो चुकी है। एक्चुअली हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, म्यूजिक से BA कर रहे थे, और 2014 में जित्तू खरे बादल के साथ, बड़े भैया जित्तू खरे बादल जी के साथ हमारा एक्सीडेंट हो गया था 13 मील के पास, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो उसमें हमारी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई थी, तो जब से फिर हमने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी,
और फर्स्ट ईयर बस हम कंप्लीट कर पाए थे। उसके बाद हमने आईटीआई की जो कि इलेक्ट्रीशियन से हो चुकी है, और अभी हमने रेलवे का फॉर्म भी डाला है ग्रुप डी का, तो उसका पेपर है। बुंदेलखंड के कलाकार हैं आशीष और बिहारी, काफ़ी फेमस नाम है, उनके साथ भी आपने काम किया है, क्या काम किया, कैसा क्या? हमारा अभी नया गाना आया है मोरी माई काली, जो कि अभी सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हो चुका है, मोरी माई काली। और इस गीत में बुंदेलखंड के बहुत ही अच्छे कलाकार आशीष उपाध्याय और बिहारी उपाध्याय ने इस गाने में शूटिंग की है, और एक्चुअली इस गाने की शूटिंग रानगढ़ से हुई है और जबलपुर से हुई है, और जो हमने गाना ऑडियो पहले गाया था वो जबलपुर से ही गाया था। आपका सोशल मीडिया पे क्या नाम से चैनल हैगा, और क्या क्या आप फेमस सॉन्ग जो वगैरह गाए हैं उनमें से एक दो के नाम है? हमारा यूट्यूब पे चैनल है, 1.5 साल में हमारे 71,000 सब्सक्राइबर हैं, 71,000 हो चुके हैं। माता रानी की कृपा से हम 1,00,000 सब्सक्राइबर पर बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे 1-2 महीने में। और हमारा पहले पुराना चैनल था यूट्यूब पे, वो डिलीट हो गया था, 3 साल की मेहनत थी उस पर, 29,000 सब्सक्राइबर थे 3 साल में। लेकिन एक बुंदेलखंड में छोटा सा नाम था, तो हमारे सब्सक्राइबर 71,000 हो चुके हैं। आप काफ़ी मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये आगे परिवार का माता पिता का क्या सपोर्ट रहा आपको जब आपके प्रति आपके लिए गाने का जो इतना शौक लगा, क्या उनकी प्रतिक्रिया क्या हुआ? देखिए मैं भैया एक बात बोलूँगा खान साहब कि जब बच्चा छोटा रहता है तो जो पेरेंट्स रहते हैं उनके लिए शौक़ होता है कि हमारा बच्चा गाए बजाए और वो कलाकार बने, और एक्चुअली में जब वो एक लाइन पकड़ लेता है, जो बच्चा कुछ दिनों बाद गा बजा के एक लाइन पकड़ लेता है और रात रात भर प्रोग्राम में जाता है, तो घर वालों को दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो घर वालों को भैया बहुत दिक्कत होती है कि रात भर के प्रोग्राम है। अच्छा, जब आपको प्रोग्राम नहीं करवाना थे, अब आप एक बात बताएं, दिन में आपको कौन गाने बजाने बुलाएगा, बताइए आप। प्रोग्राम सारे रात में ही रहते हैं, और जब एक लड़का कलाकार बन के महीने में 20-25-30 दिन रोज़ अपने घर में घर से जाता है प्रोग्राम करने, तो भैया घर वालों को बहुत टेंशन होती है, रात में हमारा लड़का क्या कर रहा है, कहाँ है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि कलाकार बनाए नहीं जाते, कलाकार पैदा होते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये आप गाने के साथ साथ अपने डेली लाइफ जीने के लिए जो स्ट्रगल करते हैं, कैसे जेब खर्च वगैरह करते हैं आप, परिवार का क्या सपोर्ट करते हैं? भैया सबसे पहले तो हमारा मेन काम है, हम विश्वकर्मा हैं एक्चुअली, तो हमारे घर में मोटरसाइकिल का काम होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो हम अपने दुकान में मोटरसाइकिल का काम करते हैं, हाथों को काले करते हैं, उसके बाद फिर हम अपना गाना बजाना देखते हैं। भैया हमारे दर्शकों को 2 शब्द आपके जो फेमस गाने के बोलों को सुनाइए। अभी हमारा नया गाना आया है मोरी माई काली, आप लोग ज़रूर यूट्यूब पे सुने, और यदि आप इस गीत को सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से हमारा गाना सुन सकते हैं। और यदि आप लोगों को डायरेक्ट सर्च करना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए मोरी माई काली आशुतोष विश्वकर्मा या आशीष उपाध्याय, तो आपको ज़रूर हमारा भजन मिल जाएगा। तो 2 लाइनें मैं भैया के कहने पे गा रहा हूँ। मोरी माई काली मोरी कंकाली, झोली भरो जे की होए खाली, मोरी माई काली मोरी महाकाली, झोली भरो जे की होए खाली, दुष्टों का करती संहार काली, कष्टों को दूर करे कंकाली, मोरी माई काली मोरी महाकाली, झोली भरो जे की होए खाली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो ये थे आशुतोष विश्वकर्मा जी हमारे साथ। हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि सोशल मीडिया का इनका चैनल, इन्होंने नाम बता दिया है, उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं था इकराम खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर।